मतदाता जागरूकता रैली का हुआ आयोजन। बांसगांव 3 मार्च को विधानसभा के होने वाले मतदान के लिए प्राथमिक विद्यालय देवरार खुर्द के बच्चों ने जागरूकता रैली निकालकर 3 मार्च को अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की है। नमस्कार साथियों, बांसगांव की टीम आज पहुंची है प्राथमिक विद्यालय देवरार खुर्द बांसगांव में, जहां पे बच्चे मतदाता जागरूकता अभियान रैली निकाले हुए हैं। आइए हम जानते हैं एक छात्रा से कि यह क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिका यादव है। जी जी जी। हम कक्षा 4 में पढ़ते हैं। हमारा विद्यालय का नाम देवरार खुर्द है और हम हाँ हाँ बोलो बोलो बेटा, डर नहीं, बोलिए। और हमारे आप लोग कर क्या रही हो, ये क्या कर रही हो, किस लिए अपील कर रही हो गांव में? हाँ बोलो। हाँ, क्या 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 अपील है आपको इस गांव के लोगों से, क्या अपील है? 3 मार्च को हमारा गांव, हाँ बोलो बोलो बोलो, हमारे गांव के लिए अपील है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। देखिए, आज हम प्राथमिक विद्यालय देवरार खुर्द बांसगांव संदेश की टीम प्राथमिक विद्यालय देवरार खुर्द पहुंची है। यहाँ पे प्यारे बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे, लंच की छुट्टी हुई थी, उसमें बच्चे हम से बात किए, जहाँ मतदाता जागरूकता अभियान रैली बच्चे निकाले हैं। रसोईया लोग खड़े हैं, शिक्षक लोग खड़े हैं, सफाई कर्मी भी खड़े हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती लोग खड़े हैं। प्यारे बच्चे प्राथमिक विद्यालय देवरार खुर्द के बांसगांव के हैं और यह लोगों से अपील कर रही हैं कि 3 मार्च को अधिक से अधिक मतदान करें। बांसगांव संदेश के लिए पंकज कुमार, मंडल ब्यूरो की रिपोर्ट। स्कूल खुला, बच्चों में दिखा उत्साह, गाइडलाइन का पालन। नगहा क्षेत्र के राधिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल गेट पर बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने के लिए थर्मल व सैनिटाइज होने के बाद कक्षाओं में प्रवेश दिया जा रहा था। स्कूल के प्रिंसिपल सीके सिंह ने बताया कि आज स्कूल में बच्चों की उपस्थिति 1206 की थी। स्कूल में कुल बच्चों की संख्या 1500 है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्कूल में पढ़ाई शुरू हुआ है। क्या नाम है आपका? हाँ, तेज बोलो। माय नेम इज कैसी चौहान। स्कूल आई हो आज? अच्छा, ये बताओ, इतना दिन छुट्टी था तो घर पे आप लोग क्या कर रहे थे? खेलते थे और ऑनलाइन क्लास करते थे और पढ़ते। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, पढ़ाई कर रहे थे। जब स्कूल आए आज तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। स्कूल खुल गया तो पढ़ाई में मन लग रहा है। आपका क्या नाम है? माय नेम इज आराध्या यादव। जब स्कूल कोरोना काल में बंद चल रहा था तो घर पे आप लोग क्या कर रहे थे? सर, हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। खेल कूद नहीं कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। हाँ। और जब आज स्कूल आए हैं तो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा है कि घर पे मजे कर रहे थे तो आज बेकार लगा है कि अच्छा लगा है? नहीं, अच्छा लगा। अच्छा लगा है तो पढ़ाई करने में अच्छा लगता है। कोरोना का गाइडलाइन का पालन करते हुए खुले स्कूल। गगहा गोरखपुर ब्लूमिंग फ्लावर एकेडमी डेमुसा गगहा में भी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए स्कूल में बच्चों की पढ़ाई हो रहा है। क्या नाम है मैडम? सरोज प्रजापति। यहाँ की प्रधानाचार्य हैं? हाँ, यस सर। कौन सी स्कूल है? ब्लूमिंग फ्लावर एकेडमी। मैम, ये जानकारी लेना चाह रहे थे कि अभी कोविड में स्कूल बंद चल रहा था तो अचानक आज जैसे आदेश आया स्कूल खोलने के लिए, तो स्कूल में क्या क्या व्यवस्थाएं हुई हैं? पहली बात तो हम लोगों को जब आदेश मिला स्कूल खुलने का, बहुत ज़्यादा हर्ष का विषय है और हमारे लिए भी पर्सनली, मेरे लिए, पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए एक बहुत बहुत खुशी हुई हम लोगों को कि कम से कम मतलब कोई दिक्कत, मतलब हम लोगों ने तो जैसे स्कूल में सैनिटाइजर, साफ सफाई, इसकी पूरी व्यवस्था हमने पहले से ही करके रखा हुआ है। स्कूल इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। सारी क्लासेस को हमने सैनिटाइज करा दिया है, कंपाउंड को सैनिटाइज कराया हुआ है और उसके साथ बच्चों के लिए भी, यदि कोई बच्चा विदाउट मास्क आता है तो हमारे पास उसकी भी व्यवस्था है कि हम बच्चों को मास्क को प्रोवाइड करा सकें। और मैं ये जानना चाह रहे थे कि आज पहला दिन स्कूल खुला है
बच्चों की उपस्थिति क्या है? लगभग पूरे बच्चे आए हैं कि कम करके बताएं? अप्रॉक्सीमेट फर्स्ट डे अभी हमारे यहाँ 70% बच्चे अभी हमारे पास उपस्थित हो चुके हैं जी, और बाकी बच्चे धीरे धीरे करके कंप्लीट होंगे। तो हमें लगता है कि आज अगर 70% है तो मतलब कल परसों में 100% उपस्थिति हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है मैम। मोमबत्ती जलाकर पुलवामा के शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बढ़लगंज। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सरापा व्यापार मंडल के अध्यक्ष गंगा सोनी के नेतृत्व में दीनदयाल चौक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के प्रतिमा स्थल पर पहुंची और मोमबत्ती जलाकर शहीद हुए सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। गंगा सोनी ने कहा कि पाकिस्तान पोषित आतंकियों के एक हमले में भारत ने आज ही के दिन 3 साल पहले अपने 40 वीर जवानों को खो दिया था। इस दौरान महामंत्री प्रभुनाथ सोनी, श्रीकांत सोनी, अजय वर्मा, राजकुमार भारती, सिंटू अग्रवाल, लालजी वर्मा, सचिन सावंत, राधेश्याम वर्मा जायसवाल मौजूद थे। आत्मरक्षा और आत्मविश्वास दोनों बढ़ाता है कराटा। समीर। कराटे चैंपियनों को मिला प्रमाण पत्र और बेल्ट। बढ़लगंज। बढ़लगंज के ऐतिहासिक चढ़ पादुका कुटी में 2 दिवसीय कराटा ट्रेनिंग कैंप में शामिल प्रतिभागियों को कलर बेल्ट और प्रमाण पत्र वितरित करते हुए श्री दास ने कहा कि उन्होंने कराटा परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को सफलता की शुभकामना दी। इस अवसर पर कराटा प्रशिक्षक चंद्र प्रकाश मौर्य, प्रशिक्षक समीर, देवेंद्र सिंह बघेल, संतोष जायसवाल, अजय सराफ, डॉक्टर विनय गुप्ता, प्रहलाद कुमार, राजीव कुमार, अमित सिंह सहित तमाम लोगों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। पुलवामा के वीर शहीद जवानों को नमन कर दी गई श्रद्धांजलि। गुला गोरखपुर। गुला तहसील क्षेत्र के विकासखंड बढ़लगंज में स्थित प्राथमिक विद्यालय भीटी बाल पर प्राथमिक विद्यालय धोबौली पर 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में भारत माता के वीर सपूत शहीद हुए जवानों को प्रधानाध्यापक हरिलाल निषाद व शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राओं ने उनके चित्र को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित व मोमबत्ती जलाकर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर शिक्षक रामकिशोर सिंह, धर्मेंद्र कुमार राव, संतोष कुमार, सरिता देवी, रीता सिंह, मालती सोनमती, प्रेमबाला, नितिन सिंह, उर्मिला माधुरी, पनीता, कृष्ण गोपाल तिवारी सहित आदि लोग मौजूद थे। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का आयोजित हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण। गोला गोरखपुर। दिव्यांग बच्चों को पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ही चिन्हित करके उनकी दिव्यांगता को नियंत्रित अथवा दूर किया जा सकता है। उक्त बातें एआरपी राम नयन शुक्ला ने उपनगर स्थित ब्लॉक संसाधन केंद्र गोला के सभागार में प्रशिक्षण के दौरान कही। वह सोमवार को दिव्यांग बच्चों की पहचान हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण में बतौर प्रशिक्षक संबोधित कर रहे थे। इस प्रशिक्षण में संजू, ममता, रीता, रीना, रेनू, मनोरमा सिंह, अनीता सिंह, विजयलक्ष्मी राय, गीता सरोज सहित 122 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मौजूद रहे। 18वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किए गए पंडित विद्या निवास मिश्रा। देश के जाने माने साहित्यकार, भारतीय संस्कृति के अग्रदूत, पूर्व राज्यसभा सदस्य तथा स्वावलंबी इंटर कॉलेज बिशनपुरा गोरखपुर के विकास में स्थापना काल से अतुलनीय योगदान देने वाले पद्म भूषण पंडित विद्या निवास मिश्रा की 14 फरवरी को 18वीं पुण्यतिथि पर स्वावलंबी इंटर कॉलेज बिशनपुरा में कार्यक्रम का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में प्रबंधक यादवेंद्र प्रताप यादव ने अपने उद्बोधन में विद्यालय में उनके योगदान को स्मरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानाचार्य उमेश चंद पांडे ने कहा कि इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि इतने बड़े विद्वान और साहित्यकार ने इस अंचल में जन्म लिया और अंत तक क्षेत्र से जुड़े रहे। शशि बिंदु नारायण मिश्रा, महेंद्र कुमार हरिशरण, प्रति त्रिपाठी और शिक्षक नेता राम प्रताप राम ने भी अपने उद्बोधनों में पंडित जी के योगदान को अतीव श्रद्धापूर्वक याद किया। पुलवामा अटैक। कैंडल जलाकर अमर शहीदों को नमाखों से दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गोला गोरखपुर। नगर पंचायत बढ़लगंज में स्थित चंद्रदेव सेवा संस्थान के सदस्यों ने सोमवार को कैंडल जलाकर पुलवामा हमले में शहीद सीआरपीएफ के वीर जवानों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान संस्था के संरक्षक डॉक्टर विक्रम सिंह सोनकर ने कहा कि पुलवामा हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सभासद सुनील यादव, सार्जन सोनकर, प्रधान प्रतिनिधि गुलशन कुमार यादव, अखिलेश मिश्रा,
आलोक मिश्रा, नितेश तिवारी व नितेश चौधरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रुद्रेश मिश्रा, सत्येंद्र प्रजापति, धर्मेंद्र भारती, मुकेश भारती, विजय कुमार, अविनाश यादव, नितेश यादव, धर्मेंद्र भारती सहित आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आयोजित बैठक हुई संपन्न। गोला गोरखपुर उपनगर गोला में स्थित भाजपा चुनाव कार्यालय पर 328 जिलों पर विधानसभा के भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई, जिसमें भाजपा को अधिक मतों से जीत पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व दिनेश सोनकर, चोरमणि सोनकर व विजय यादव को भाजपा की सदस्य ग्रहण कराई गई। बैठक के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह ने बैठक की अध्यक्षता लालजी पांडे व संचालन जिला कोषा अध्यक्ष शत्रुघ्न कसौदन ने किया। इस अवसर पर यतीन्द्रनाथ त्रिपाठी, डॉ. ब्रिजभूषण मिश्रा, अशोक कुमार वर्मा, जयप्रकाश सिंह, जय नारायण दुबे, विश्वामित्र त्रिपाठी, विनोद तिवारी, बलवंत यादव, अशोक जायसवाल, इंद्रजीत पांडे, रविन्द्रनाथ पांडे, सुदर्शन कसौधन, रणजीत तिवारी आदि वरिष्ठ कार्यकर्तागण मौजूद रहे।